आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के गुड़ में 24 फरवरी को किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। किसान कार्यालय प्रांगण में होने वाले इस आयोजन में पूरे संभाग से किसानों के एकत्रित होने की संभावना जताई जा रही है। आज एक प्रेस वार्ता के दौरान किसान नेता शिव सिंह ने बताया कि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान महापंचायत का आगाज किया जा रहा है, जिसमें फसलों की उचित लाभकारी मूल्य के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को केंद्र सरकार को लागू करने के लिए मांग उठाई जाएगी। साथ ही MSP गारंटी कानून को अमली जामा पहनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। यह जानकारी आज एक प्रेस वार्ता के दौरान किसान नेता शिव सिंह के द्वारा दी गई। आइए सुनते हैं कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है किसान नेता शिव सिंह का। ये आज संयुक्त किसान मोर्चा एवं भारतीय किसान यूनियन टिकैत की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यहाँ 24 फरवरी को गुड़ तहसील प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन द्वारा बड़े किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है और उसमें जो हमारे मुद्दे हैं वो जो MSP का मुद्दा है, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, MSP का मुद्दा है, लखीमपुर खीरी घटनाकांड के मुख्य आरोपी अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी बर्खास्तगी का मामला है और जो किसानों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं वो मामला है। ये राष्ट्रीय स्तर पर माननीय टिकैत जी पूरी तरह से पूरे देश में जाकर के इन मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों में एकता बनाने का काम कर रहे हैं और उस महापंचायत में जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे जैसे सुअर पशुपालकों का जो हमारा 5 महीने से रीवा के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में आंदोलन चल रहा है वो मामला है और वहाँ जो हवाई पट्टी के किसानों का मामला है, जो उनके मुआवजे का मामला है, उनको विस्थापित करने का मामला है, ये भी मामला हमारे आंदोलन का हिस्सा है और रेलवे का मुद्दा भी उस किसान महापंचायत में रखा गया है। जो वादा किया था सरकार ने भूमि अधिग्रहण किया, इसके बाद नौकरी नहीं दिया, तो किसान वहाँ भी आंदोलित हैं, वो भी मामला हमारे राष्ट्रीय किसान महापंचायत का हिस्सा है और सबसे बड़ी जो रीवा सहित पूरे देश में समस्या है आवारा पशुओं की, उस आवारा पशुओं का भी मामला बड़े मुस्तैदी से हमारे आंदोलन का हिस्सा है और तमाम क्षेत्रीय मुद्दे हैं, 15 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी यह महापंचायत है। तो इस तरह से टिकैत जी यहाँ पर आ करके और राष्ट्रीय नेता उनके साथ आएंगे जो महापंचायत को सम्मेलन संबोधित करेंगे और उसके बाद जो है आगामी जो भी रणनीति होगी उसका आगाज वो रीवा से करेंगे और बड़ा आंदोलन देश में मार्च माह में शुरू होने वाला है। ये सारी तैयारियां हैं और रीवा की जो हिस्सेदारी है हमारे किसान साथियों की, तमाम संगठनों की, वो बहुत बड़ी हिस्सेदारी, हम सबको बधाई देते हैं और पूरे रीवा संभाग स्तर के किसान साथियों से, नौजवान साथियों से, मजदूर भाइयों से, समाज सेवियों से हम अपील करते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत जी को सुने और उस महापंचायत को सफल बनाएं। जी सभा का ये आयोजन जी ये गुड़ में तहसील प्रांगण में जो है किसान महापंचायत का आयोजन है। जी अब संख्या अब रीवा में तो आप देख चुके हैं टिकैत जी का प्रोग्राम, पर वो तहसील स्तर पे है तो हम तो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि कम ना हो और अभी खेती किसानी का काम भी नहीं है तो हमारे पूरे संभाग भर से भारी संख्या में किसान पहुंचेंगे। महापंचायत में गुड़ क्षेत्र क्यों चुना गया है? गुड़ क्षेत्र इसलिए चुना गया है कि रीवा में कार्यक्रम कर चुके थे, रीवा में हमारा जब 13 महीने का आंदोलन चला तो रीवा में करहिया मंडी में किसान महापंचायत हुई और जहाँ गुड़ की बात है तो गुड़ में हमारा जो रायपुर के लोग हैं और देवतालाब के लोग हैं, गुड़ के लोग हैं, सिमरिया के लोग हैं, रीवा के लोग हैं, वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएंगे और खेती किसानी बाहुल एरिया है तो इसलिए वो स्थान वहाँ पर चुना गया। राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है तो भीड़ जाहिर सी बात है कि तगड़ी होगी। नहीं, घेराव का कोई कार्यक्रम नहीं।